अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल, आप देख रहे हैं टेक क्लाउड। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेक्नो कैमोन 17P फ़ोन की। टेक्नो कैमोन 17 सीरीज़ जो है ऑफिशियली लॉन्च कर दी गई है कीनिया और नाइजेरियन मार्केट में, और इस सीरीज़ में टेक्नो कैमोन 17 में तीन फ़ोन को लॉन्च कर दिया गया है। पहला जो फ़ोन है टेक्नो कैमोन 17, दूसरा जो फ़ोन है टेक्नो कैमोन 17P, तीसरा जो फ़ोन है टेक्नो कैमोन 17 प्रो। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे टेक्नो कैमोन 17P फ़ोन की। ये फ़ोन टेक्नो कैमोन 17 का अपर वेरिएंट है और टेक्नो कैमोन 17 प्रो का छोटा भाई। इस फ़ोन पे आपको कौन से स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और वो जो स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं वो 100% कन्फर्म है कौन से स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं। और अगर आप इसकी लॉन्चिंग डेट की पाकिस्तान की मार्केट में बात करते हैं, मैं आपको आगे चल के इसकी लॉन्चिंग डेट भी बताऊंगा और इसकी प्राइस भी आपको बताने वाला हूं, क्या पाकिस्तान की मार्केट में इसकी प्राइस रखी जाएगी और इस प्राइस कैटेगरी में क्या ये फ़ोन वैल्यू फॉर मनी होगा, जस्टिफाई करेगा, क्या आपको इस फ़ोन का वेट करना चाहिए, जो भी इस फ़ोन की डिटेल्स है मैं आपको आज की इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें। तो हमेशा की तरह जैसे हम डिज़ाइन की बात करते हैं, तो इस फ़ोन की डिज़ाइन की बात करें तो यार पर्सनली मुझे टेक्नो कैमोन 17 सीरीज़ की डिज़ाइन बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि इस बार टेक्नो कैमोन 17 की डिज़ाइन रखी गई है बहुत ही प्रीमियम लग रही है, टेक्नो कैमोन 16 से तो बिल्कुल भी अलग रखी गई है। अगर आप इस फ़ोन की डिज़ाइन की बात करते हैं तो बैक पे जो आपको कोड कैमरा सेटअप दिया गया है बिल्कुल ही एक वर्टिकल स्टाइल में दिया गया है, और कैमरा के नीचे ही आपको कैमोन की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। इसका जो कलर आया है वो ग्रीन कलर है, यार मुझे पर्सनली वो बहुत ही अच्छा लगा। इसकी जो बैक होगी वो आपको प्लास्टिक में दी जाएगी। अगर आप इसके फ्रंट की बात करते हैं तो फ्रंट इसका पंच होल कैमरा के साथ होगा, और फ्रंट की जो प्रोटेक्शन है वो आपको ग्लास में दी जाएगी। अगर आप इसके डिस्प्ले की बात करते हैं तो डिस्प्ले फुल HD प्लस का डिस्प्ले दिया गया है इस फोन पे। यहाँ पे आपको 6.82 इंचेस का एक IPS डिस्प्ले दिया गया है, 1080 डिस्प्ले पिक्सल्स होंगे। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे आपको कोई भी फास्ट रिफ्रेश रेट नहीं दिया गया, जो इसका टेक्नो कैमोन 17 और टेक्नो कैमोन 17 प्रो जो है दोनों में आपको रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़ का दिया गया, लेकिन इस फ़ोन पे आपको नहीं दिया गया। वो मुझे पता नहीं क्यों नहीं दिया गया, इस फ़ोन पे भी यार रिफ्रेश रेट देना चाहिए था। इस डिस्प्ले पे आपको 500 निट्स टाइप भी दिए गए, तो बस इसका सेटबैक ये है कि इस पे आपको कोई फास्ट रिफ्रेश रेट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसका जो छोटा वेरियंट है टेक्नो कैमोन 17 उस पर भी 90 हर्ट्ज़ है, लेकिन इस पर नहीं। पता नहीं क्या गेम खेल रहा है टेक्नो, हमें तो कुछ भी पता नहीं, लेकिन देना चाहिए था 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट। अगर आप इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस कन्फर्म नहीं, मैं आपको एक्सपेक्टेड प्राइस बता सकता हूं। एक्सपेक्टेड प्राइस ये है कि इसको 26 और 27 के दरमियान ही पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। अब देखें 26 और 27 की प्राइस कैटेगरी जो है अच्छी प्राइस कैटेगरी, इस प्राइस कैटेगरी में तो क्या ऐसे छोटी कैटेगरी में भी ब्रांड्स हमें 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट दे रही हैं, तो टेक्नो को भी चाहिए था कि इस फ़ोन पे 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट दे देते तो बहुत ही अच्छा होता। ये फ़ोन एंड्रॉयड 11 पे बेस्ड होगा। अगर आप इसके चिपसेट की बात करते हैं तो चिपसेट इसका अच्छा ही है, क्योंकि यहाँ पे आपको MediaTek Helio G85 का चिपसेट दिया गया है। ये चिपसेट इस प्राइस कैटेगरी में बहुत ही अच्छा है, गेमिंग एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ये चिपसेट गेमिंग के लिए ही बनाया गया है, MediaTek G85। अगर आप इसके वेरिएंट की बात करते हैं तो एक ही वेरिएंट में लॉन्च किया गया है नाइजेरियन केन्या मार्केट में, और पाकिस्तान की मार्केट में भी एक वेरिएंट लॉन्च किया जाएगा जो कि 6GB 128GB वाला वेरिएंट होगा। अगर आप इसके कैमरास की बात करते हैं तो कोड कैमरा सेटअप है, मेन जो सेंसर है 64 MP तक आपको दिया गया है, 2 MP का मैक्रो और 2 MP का डेप्थ, चौथा भी है जो आपको डेप्थ AI लेंस देखने को मिल जाता है इस फोन पे। इसकी जो सेल्फी कैमरा होगी वो आपको 16 MP तक प्रोवाइड की गई है। यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। ये फ़ोन 18 वाट तक फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। ये फ़ोन माइक्रो USB के साथ आता है। इस फ़ोन पे इस प्राइस कैटेगरी में आपको USB टाइप सी नहीं देखने को मिलती, तो सेटबैक ये भी है टाइप सी का, और रिफ्रेश रेट भी इस फ़ोन पे आपको नहीं दिया गया। तो पाकिस्तान की मार्केट में कब लॉन्च किया जाएगा अभी तक तो कन्फर्म नहीं, लॉन्चिंग डेट यही बताया जा रहा है कि इसको इस महीने के आखिर में या दूसरे महीने के पहले वीक में हो सकता है इसको पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च किया जाए, लेकिन अभी तक ये एक्सपेक्टेड है, कन्फर्म नहीं है। इस फ़ोन पे और इस प्राइस कैटेगरी में मुझे लगता था कि इस फ़ोन पे आपको 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट दे देते तो बहुत ही अच्छा होता, क्योंकि 26 और 27 प्राइस कैटेगरी अच्छी होती है। अगर प्राइस कैटेगरी से ये 26 और 27 की प्राइस कैटेगरी से थोड़ा बढ़ता है तो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करेगा, और पाकिस्तान की मार्केट में शायद इसको टेक्नो कैमोन 17P के नाम से नहीं, प्रीमियर के नाम से पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि टेक्नो कैमोन 17 प्रीमियर भी पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च किया गया था प्रीमियर के नाम से, तो ये पाकिस्तान की मार्केट में प्रीमियर के नाम से आएगा, जस्टिफाई करेगा, वैल्यू फॉर मनी नहीं होगा, क्योंकि रिफ्रेश रेट इस फोन पे यार मुझे लगता था दिया जाता तो अच्छा होता, और टाइप सी भी नहीं है इस फोन पे। तो आपकी क्या राय इस फोन के बारे में तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपको दूसरी वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।